नहीं मोदी से पहले तो सर मेरे पास कुछ खाने को नहीं था, मोदी आया तब मैं चांदी की थाली में खाना खा रहा हूँ, सोने के ग्लास में पानी पी रहा हूँ। नौकरियाँ इतनी है कि बीजेपी का हर मंत्री घर के आगे खड़ा होता है कि चलो नौकरी करो, रोजगार इतना कि अब पैसे मैं गिनता नहीं तोल के रखता हूँ। इतना एक सवाल है, एक सवाल, क्या व्यक्तिगत तरक्की देश की तरक्की है? तो प्रधानमंत्री देश का बनता है कि आपको आगे बढ़ा रहे 125 में 111 में नंबर पर, क्या क्या तरक्की है इसमें? बीमारी बढ़ गई है मोदी जी के बाद की, इसमें भूखे मर रहे हैं, एक दर भूखे मर रहे हो क्या? मैं भूखे मर रहा है, एक 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 अनपढ़ आदमी, एक अनपढ़ आदमी आदमी को एक एक दो दर्जन बच्चा पता कर दे घंटा से मोदी प्रोग्राम करेगा। दो सब दो सारे पढ़े लिखे आदमियों को मोदी से देख ले कितने कितने बच्चे हैं। हम किसान आदमी है, हम बीजेपी वाले नहीं। 5,000 5,000 आदमी से रोज मिलता हूँ, मैं फेरी का काम करता हूँ, हमको बोलो खुल के बोलो, 5,000 आदमी से रोज मिलता हूँ। आप लोगों को सुदर्शन चैनल रात में 8 बजे रात में अगर यदि पता हो तो सुदर्शन चैनल रात में 8 बजे रात में जरूर रोज देखिएगा। सुदर्शन चैनल आप रात रोज 8 बजे देखो। एक तरफ तो देश का अमीर आदमी है जो देश को कोशिश है, प्रधानमंत्री कोशिश है, लेकिन एक तरफ बिहार का किसान जो बोलता है तो उसको झूठा ठहराया जाता है, उसको मोदी का आदमी करार दिया जाता है। क्या मोदी का आदमी हो? न मोदी का आदमी न कांग्रेस का, हम तो किसान आदमी, हम फेरी करके खाते हैं, कपड़ा बेचते हैं, फेरी करके खाते हैं, हम किसी का आदमी नहीं। में मोदी सरकार लाओगे कि नीतीश कुमार को फिर से लाओगे? नीतीश उसमें सटेगा तो मोदी में सटेगा तो आएगा नहीं, मोदी में सटेगा तो मैं ये हार जाएंगे, फिर लालटन आ जाएंगे। अगर यदि वो बाहर है तो बीजेपी आ जाएंगे, बीजेपी को अकेले लड़ना चाहिए चुनाव इस बार अकेले, और वो दोनों सर, क्योंकि भाई साहब बोल के गए उनके, अभी जो भाई साहब बोल के गए उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भारत माता सिसक रही है इन सब की नैदानी पर, तुमने जमीन को बेच दिया केवल बिजली और पानी पर, इन लोगों को बिजली और पानी फ्री चाहिए, उसी पे अपना जमीन बेच दिया इन लोगों। मैं आपको सच्चाई बता दूं, इन्होंने विपक्षियों ने तो नोटबंदी के ऊपर भी बड़े सारे प्रश्न चिन्ह उठा दिए थे, क्या फायदा हुआ, लाइनों में लोग मर गए, उसका फायदा आज हमें देखने को मिल रहा है ना। पाकिस्तान की हालत देख लो, जहां सबसे ज्यादा नकली करेंसी छप रही थी, आटे आटे को दो दो बूंद पानी को मोहताज हो रखा है, भीख मांग रहा है, कोई उसको पैसा कर्ज उधार दे करके नहीं राजी हो रहा, आज उसको भारत के लोग, भारत के निवासी, भारत उसको ऐसा हीरा नजर आ रहा है कि उसके वहां के मूल निवासी भारत की तारीफ करते हुए नहीं समझ आ रही उनको। वहां के क्रिकेटर आकर के यहाँ पे चिकन बीफ मांग रहे कि हमें कुछ खाने का दे दो, क्योंकि वहां तो मिल नहीं रहा। तो ये हालत हो गई है, किस 9.5 साल में ही होनी थी भाई साहब, इतना हो गया, 75 साल हम हो गए आजादी को लिए हुए, पाकिस्तान का इस बारी दिवालिया निकलना था, जब सीट पे कहते तो क्या लग रहा है, मोदी ने दिवालिया निकाल दिया क्या? बिल्कुल सर, इसके अंदर तो दो राय ही नहीं है, कहते हैं घर का मुखिया अगर अच्छा होगा ना परिवार ऊपर ले जाएगा, घर का मुखिया अच्छा होगा परिवार ऊपर ले जाएगा, घर का मुखिया ही खराब होगा परिवार। क्या 75 साल में कौन सी जाति को फायदा पहुंचाया कांग्रेस ने? कौन सी जाति बताइए? तो कांग्रेस से पूछो ना सवाल, राहुल गांधी से पूछो, जो कह रहे हैं कि जाति का जनगणना हो जाती तो आज रोजगार से लग गई होती सभी जातियां। कोई जाति जनगणना ना है, कोई जाति जनगणना नहीं करवाता, वो खाली हिंदू में फाड़ है। रुक जाओ, बिहार में हुआ है ना जाति जनगणना, आपको पता चल जाएगा, 14% यादव है ना, वहाँ पे दे देंगे रोजगार, वहाँ पे उनकी सरकार है ना, अभी विपक्षी है सरकार है, दे देंगे, समझ जाएंगे पूरे देश को रोजगार मिल के। हम भी बिहार से आते हैं, हम ब्राह्मण है, उनको यादव 14%। नीतीश कुमार तो चुनाव आने से पहले ही अपना पूरा मूड चेंज कर लिए हैं, अब तो मोदी जी की तारीफ करने लगे, पता पड़े 2024 आते आते लुढ़क जाएं। वो लुढ़केंगे ही, वो दल बदलू हैं, वो फिर आएंगे बीजेपी में, ये देख लीजिएगा, वो फिर आएंगे बीजेपी में। उनको ये बताओ ना, एक बेगूसराय की बात बता रहा हूँ, अभी दुर्गा पूजा की बात बता रहा हूँ, एक लड़की को अगवा, पांच बहन थी, पहले ही 4 बहन को अगवा कर लिया गया था, दुर्गा पूजा 16 तारीख को एक लास्ट बहन थी उसको भी अगवा कर लिया गया, उस पर कुछ नहीं बोला गया उनको, और ये चलेंगे जाति जनगणना करने, रोजगार देने पब्लिक को, पब्लिक यहाँ पे बेवकूफ है ना, जो वहाँ पे ये इतना परसेंट कर करके सबको मार देंगे वहीं पे घुमा फिरा के, ये बस यही है, कोई कुछ नहीं। राहुल गांधी के लिए क्या बोलेंगे जो कह रहे हैं जातिगत जनगणना से ही रोजगार मिलेगा? वो पप्पू है, वो तो ऐसे बोलता है, वो ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैं बोल रहा हूँ मोदी सरकार लाभ देती है लेकिन बिहार सरकार लाभ नहीं लेने देती है। मेरे को 5 कट्ठा जमीन है लेकिन वो 30,000 वहाँ 5,000 रुपया घूस मांगता है, ताड़ का छप्पर का वो घर है लेकिन उसके लिए मकान नहीं दे रहा, 30,000 रुपया घूस चाहिए। मोदी सरकार का लाभ मिलना होता तो कुटीर बनवा लिए होते अभी तक, क्यों नहीं बनी आपकी कुटीर? ये बिहार सरकार नहीं लेने दे रहा है ना, उसके बच्चे, मैं बच्चा मेरा भाग गया था, 5 गांव
पांच दिन से मैं इधर ही उधर था, मीडिया ने किसी ने डाला, आज मेरा बच्चा मिल गया, ये देखो मैं इधर पोस्टर लगा के रखा हूँ। क्या बात है, मिल गया बच्चा, मेरा बच्चा मिल गया। किसकी सहायता से मिला? मीडिया की सहायता से। भाई साहब मीडिया के लिए तालियां बजा दो, मीडिया की वजह से इनका बच्चा मिल गया। और बात पूछता हूँ, देखो दिल्ली का स्कूल, मैं 1989 में दिल्ली में था, उसके बाद दिल्ली छोड़ के चले गए थे, फौज में 20 साल काम किया, ओके फौजी से बाहर आ गया। अभी देखो फौजी में एक काम, एक आदमी को काम कर सकते हैं, चार साल के लिए अग्निवीर बना के चार साल के लिए काम रखा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आर्मी में नेवी में एयरफोर्स में काम दिला रहे हैं, काम छूट गया, रोजगार बिल्कुल नहीं है। देखो एक 20 साल काम कर चुके आर्मी में, मैं काम करके चला गया, लेकिन मैं आगे वाले पीढ़ियों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। आप ये सोचिए, आज 1,00,000 करीब लोग रामलीला मैदान में आ गया, आप लोग मीडिया वाला एक भी नहीं था वहाँ पे, कोई था कोई भी एक मीडिया वाला भी वहाँ पे नहीं आया, किस लिए आया? हमारा न्यू पेंशन स्कीम जो है, जो पेंशन नहीं मिल रहा है उसको कटाना है और ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाना है। हम आपकी बात रख रहे हैं, आपकी बात रखवा रहे हैं, ओल्ड पेंशन होना चाहिए, आपके फेवर में बोल रहे हैं, जनता पेंशन होना चाहिए, पैसा डायरेक्ट मत दो लेकिन ओल्ड पेंशन होना चाहिए। इसका मतलब सरकारी कर्मचारियों की भी है जिम्मेदारी, अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, बैंक में अगर गरीब आदमी जाए तो उसका भी बराबर से लोन मिलना चाहिए, गरीब आदमी को कोई कर्मचारी नहीं सुनता है, सुनते नहीं क्यों कर रही सरकार, क्योंकि गरीब आदमी अभी भी माता पीट रहा है, इसीलिए काम नहीं करते सरकारी। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमें कोई बात बताइए, जितना आसानी से काम बैंकिंग में अमीर आदमियों को हो जाता, गरीब आदमियों को होता या नहीं होता? मेरा बात सुनिए, हमें कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई पॉलिटिक्स, आप पढ़े लिखे आपको जवाब देना पड़ेगा, आप एक बात बताइए, जितनी आसानी से इस देश में अमीर आदमी का काम होता है, गरीब का होता है या नहीं होता है? देखिए हमें कोई पॉलिटिक्स में गरीब का काम हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। चप्पल मिल जाएगा, चप्पल किया जाता है, चप्पल किया जाता है, दलाल बैठे रहता है, कितना पैसा लगी तब कम कर देंगे, बताओ चप्पल किया जाता है, नहीं होता है। बात चलिए पेंशन की, ठीक है, मुझे ये बताइए, एक तो सरकारी नौकरी है, एक तो सरकारी नौकरी है जिंदगी भर मुझे लिए कुछ ठाक बात से खाया, आप सबकी सुनो, एक तो इन्होंने सरकारी नौकरी इनको जम के जिंदगी भर मजे लिए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी, ठीक है, उसके बाद नौकरी छोड़ने के बाद भी ये लोग कहते हैं मैं पैसे दो। अच्छा मुझे ये बताओ, जो आदमी प्राइवेट कर रहा है उसके बारे में कौन सोचेगा? उसके भी मिलना चाहिए, बात तो इक्वल होनी चाहिए, की बात नहीं करेंगे, बात तो सरकारी की बात करेंगे, है ना, ये नहीं होगा, सरकारी देखो आप तो एक सवाल का जवाब दे दो, आज के समय में सरकारी एम्प्लॉय चाहे वो शिक्षक हो चाहे बैंक में हो चाहे किसी भी पद, कितनी ईमानदारी से गरीबों का काम कर रहे हैं, आपको इनको आपको पता है सरकार इन लोगों को क्यों बुरा लग रहा है? इनके पापा होते हैं सरकारी नौकरी वाले, ठीक है, उसके बाद पापा एक्सपायर, फिर इनकी मम्मी को पेंशन मिलती थी, और पूरी और फिर इनके बच्चे कभी नौकरी नहीं करते थे क्योंकि इनके घर में पेंशन आ रही है, इनको जरूरत ही नहीं है, और उसकी अकड़ गरीब आदमी को दिखाते थे, इसलिए पेंशन तो बंद होनी चाहिए, और है तो सबकी होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं कर हो रहा है तो मजबूरी है कि नहीं है सरकार की, क्योंकि सरकारी कर्मचारी कितना काम करते हैं प्राइवेट कर्मचारी की मात्रा में, सरकारी काम करते हैं, काम रोड़ा डालते हैं, किसने कहा सरकारी आदमी काम करते हैं, अकड़ अपनी खुशी का अकड़ और दिखाते हैं, कोई डिपार्ट सरकारी होना ही नहीं चाहिए, अगर हो तो हर घर का एक आदमी सरकारी नौकरी में होना चाहिए।